अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जदुलाची। ट्यूटोरियल में हम ये आपको बताएंगे एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व और इसको किस तरह हल करते हैं। सही, तो एनालिटिकल क्वेश्चन एक्चुअली एक जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो है एक रिस्ट्रिक्शंस और क्राइटेरिया पे बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उस क्राइटेरिया और उस कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास जो है ये एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और कुछ पैराग्राफ है जिसको जो है सॉल्व करने के लिए हम आज इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि आप किस तरह इस एनालिटिकल क्वेश्चनिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह के आप देखते हैं कि एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए पैराग्राफ हम आपको जो है दिख रहा है कि इस पैराग्राफ को हम सॉल्व करेंगे। सेम, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या किया जाता है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस रीजनिंग में जो है सबसे पहले मस्ट जो होता है वो जो पार्ट होता है वो होता है रीडिंग। सही, जिसे आप जो है बार बार जो है एक पैराग्राफ को दो तीन मरतबा रीड कर दीजिए अच्छी तरह। दूसरे सेकंड जो मेथड इसमें हम वो करते हैं अप्लाई करते हैं वो है ड्रॉ द स्केच। सेम, तो इसमें जो है फिर इसके इजीली जो है ड्रॉ किया जाएंगे स्केच के किस तरह क्या क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है। सी, इस स्केच के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, और थर्ड जो है जब मालूम होने के बाद इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाएगा। सी, तो सबसे पहले हम जो है अच्छी तरह पैराग्राफ को रीड करते हैं गुड एनालिटिकल रीजनिंग के पैराग्राफ को, और उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर उससे हमें क्या रिस्ट्रिक्शन है क्या क्वेश्चन आंसर पूछेगा उसके मुताबिक हम इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सेम, तो जिस तरह की आपके पास ये एक पैराग्राफ है जिसमें जो है आपको बिल्कुल ईजी है कि अ कंट्रैक्टर विल बिल्ड फाइव हाउसेज इन अ सर्टेन टाउन ऑन ए स्ट्रीट डेट करेंटली हैज़ नो हाउस ऑन इट। सेम, कि एक कंट्रैक्टर हैं वो जो है एक स्ट्रीट पे स्ट्रेट फाइव हाउस बना रहा है। सेम, द कंट्रैक्टर विल सेलेक्ट फ्रॉम सेवन मॉडल्स ऑफ हाउसेस। जिस जो कंट्रैक्टर है वो इस सात मॉडल्स को फॉलो करेगा। सी, इस मॉडल के मुताबिक वो जो है अपना जो हाउसेस उसको बिल्ड करेगा उसको बनाएगा। सी, द टाउन प्लानिंग बोर्ड हैज़ प्लेस द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंट्रैक्टर। जो वहाँ की जो बोर्ड जो है जो टाउन डेवलपमेंट की अथॉरिटी देती है उनमें कुछ ने जो है रिस्ट्रिक्शन दी है, इस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक आप घर बना सकते हैं। नो मॉडल कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम मोर देन वन हाउस। एक हाउस में सिर्फ एक ही मॉडल अप्लाई होगा और जो है दूसरा मॉडल दूसरे घर पर अप्लाई नहीं होगा। एदर मॉडल डब्ल्यू मस्ट बी सेलेक्टेड और मॉडल जेड मस्ट बी सेलेक्टेड। सेम, देखें बट बोथ कैन नॉट बी सेलेक्टेड। अच्छा, डब्ल्यू और जेड जो है वो मस्ट सेलेक्ट होंगे, हर सूरत हाल पे सेलेक्ट होंगे ये मॉडल। सेम, लेकिन दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते। बट बोथ कैन नॉट बी सेलेक्टेड। इफ मॉडल वाई इज सेलेक्टेड देन मॉडल वी मस्ट आल्सो बी सेलेक्टेड। अच्छा, जब हम मॉडल वाई को सेलेक्ट करेंगे तो इसके साथ मॉडल वी जो है वो मस्ट सेलेक्टेड होगी, ज़रूर होगी। जी, वाई के साथ वी को हम ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। इफ़ मॉडल इज़ वाई इज सेलेक्टेड देन मॉडल वी मस्ट आल्सो बी सेलेक्टेड। अच्छा, फिर चौथा रिस्ट्रिक्शन क्या है। इफ़ मॉडल यू इज़ सेलेक्टेड देन मॉडल डब्ल्यू कैन नॉट बी सेलेक्टेड। अगर हम मॉडल यू को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ डब्ल्यू को सेलेक्ट नहीं करेंगे। सही ना, तो ये है रिस्ट्रिक्शंस
जिसको हम फॉलो करके अपने जो क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होता है गूगल एनालिटिकल कि आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन दी जाए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आप उस रिस्ट्रिक्शन पे फॉलो करके और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह के सबसे पहले क्या है कि अ कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड 5 हाउसेज इन अ सर्टेन स्ट्रीट डेट कैन डेट करेंटली हैज़ नो हाउस। तो हम सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या है कि नो मॉडल कैन बी सेलेक्टेड मोर देन वन हाउस, सही, नो मॉडल रिस्ट्रिक्शन नंबर वन क्या है कि देखिए रिस्ट्रिक्शंस नंबर वन रिस्ट्रिक्शंस सही फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है नो मॉडल यूज मोर देन वन हाउस सही कि एक मॉडल सिर्फ एक ही घर पर अप्लाई होगा तो वो मॉडल दूसरे घर पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा इसके साथ दूसरा क्या है एदर मॉडल डब्ल्यू मस्ट बी सेलेक्टेड और मॉडल जेड मस्ट बी सेलेक्टेड बट बोथ कैन नॉट बी सेलेक्टेड। अच्छा डब्ल्यू और जेड जेड जो है वो मस्ट सेलेक्टेड है सेम मस्ट सेलेक्टेड है लेकिन बोथ जो है वो सेलेक्टेड नहीं है दोनों को साथ हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा ये तो सेकेंड जो हमारा कंडीशन था सेम स्टेशन है वो ये है और थर्ड क्या है कि देखिए बट इफ मॉडल वाई इज सेलेक्टेड देन मॉडल वी मस्ट आल्सो बी सेलेक्टेड। अच्छा जब हम मॉडल वाई को सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्टेड आल्सो एंड आल्सो मॉडल वी मस्ट बी सेलेक्टेड सी मस्ट बी सेलेक्टेड। अच्छा जब हम मॉडल वाई को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ मॉडल वी को ज़रूर हमें सेलेक्ट करना होगा। अच्छा लास्ट जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है कि यू इज सेलेक्टेड जब यू को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टेड देन मॉडल डब्ल्यू इज नॉट सेलेक्टेड एट सेम टाइम सही। तो ये चार जो है हमारी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस है पहले में क्या है कि नो मॉडल यूज मोर देन वन हाउस के एक मॉडल जो है एक घर से जाहिद पर हम नहीं इस्तेमाल कर सकते नहीं अप्लाई कर सकते। सेकंड क्या है कि W एंड Z सेलेक्टेड बट बोथ कैन नॉट सेलेक्टेड। तो क्या है कि जब Y W को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ Z को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे बोथ कैन नॉट बी सेलेक्टेड। अच्छा इसके साथ जो है फिर क्या है वाई सेलेक्टेड एंड आल्सो जो थर्ड हमारे रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि वाई सेलेक्ट
करेंगे तो उसके साथ वी को ज़रूर सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन नंबर थर्ड है वो ये है। अच्छा, चौथा ये है कि यू, जब हम यू को सेलेक्ट करेंगे यू मॉडल को, तो उसके साथ जो है डब्ल्यू मॉडल को नहीं सेलेक्ट करेंगे, एक ही हाउस पे अप्लाई नहीं करेंगे, सही है। तो ये हमारी चार रिस्ट्रिक्शंस है जिसको हम फॉलो करते हुए नीचे दिए हुए एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। तो चलो हम अब नीचे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या पूछा गया हमसे। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, जिस तरह हमने आपको बताया ये पैराग्राफ था, पैराग्राफ के बाद नीचे हमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करके उस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना होगा। तो अक्सर ये जो है अक्सर के मोस्टली जो है ज़्यादातर एनटीएस और जितनी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है या जितनी भी टेस्टिंग सर्विस है उसमें इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, सी, और मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ मॉडल यू, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ मॉडल यू इज़ वन ऑफ द मॉडल सेलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल मस्ट आल्सो बी सेलेक्टेड। तो देखिए इसमें पूछा गया कि जब मॉडल यू इज सेलेक्टेड, सही, मॉडल यू इज सेलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी सेलेक्टेड। तो जब मॉडल यू को सेलेक्ट किया गया है तो इसके साथ एक और कौन से मॉडल को ज़रूर सेलेक्ट करना होगा। तो हम अपने रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे, यू मॉडल सेलेक्टेड हुआ तो उसके साथ क्या है, अनदर कौन सा मॉडल को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए हम जो अपने उसको देखते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस हैं के हमें जो है W और Z जो है वो मस्ट सेलेक्ट करने हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, सही। तो अब आप रिस्ट्रिक्शन नंबर जो 4 है उसको देखें कि अगर हम U को सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ W को सेलेक्ट नहीं करना होगा एक सेम टाइम। तो जब W को सेलेक्ट नहीं करना होगा तो रिस्ट्रिक्शन जो हमारा रूल्स नंबर 2 है तो उसको देखिए, जब W यहाँ से जब हमें सेलेक्ट नहीं करना होगा तो Z क्या होगा, वो मस्ट बी सेलेक्टेड है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 थी W, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन सी X, और इसके साथ जो है ऑप्शन डी Y है और Z है। तो देखिए टी तो वो मस्ट सेलेक्टेड नहीं है, सही। फिर जो है W पे आप आ जाए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो बी है वो है W, जिसमें आप तो रिस्ट्रिक्शन नंबर 4 ही देखिए जिसमें कहा गया कि यू इज़ सेलेक्टेड तो W इसके साथ नहीं सेलेक्ट करेंगे, ये भी रॉन्ग है। अच्छा, इसके साथ जो है X वो क्या है कि नॉट मस्ट बी सेलेक्टेड है, सेम। तो इतनी इस पर नेसेसरी नहीं है, जो कहा गया कि मस्ट बी सेलेक्टेड तो इन रूल्स में जो मस्ट बी सेलेक्टेड है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो Y से Y तो मस्ट बी सेलेक्टेड है, लेकिन इसके रिस्ट्रिक्शन नंबर 3 में देखिए आप कि वो कह रहा है कि उसके साथ हम V को मस्ट भी सेलेक्ट करेंगे अगर Y सेलेक्ट होगा, सही। तो ये भी इतनी नेसेसरी नहीं है। तो अब जो है हम आते हैं Z, सही, Z ऑप्शन नंबर E। तो ऑप्शन नंबर E क्या है कि U इज सेलेक्टेड तो W इज नॉट बी सेलेक्टेड एट द सेम टाइम, सी। तो यहाँ से जब W हम सेलेक्ट नहीं करेंगे सकते तो ऑप्शन नंबर जो हमारा रिस्ट्रिक्शन नंबर 2 है उसमें क्या है कि Z मस्ट बी सेलेक्टेड बट बोथ कैन नॉट बी सेलेक्टेड। जब हम यहाँ से W को नहीं सेलेक्ट कर सकते और रिस्ट्रिक्शन नंबर 4 के ज़रिए, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि Z वो है हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन सी। ओके, अच्छा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉर क्वेश्चन नंबर 2, इफ टी यू एंड एक्स आर द 3 ऑफ द मॉडल सेलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट, सही। तो क्या है कि स्ट्रीट के लिए हमने क्या किया कि उसमें
तीन मॉडल को सेलेक्ट किए हैं टी यू एंड एक्स सेम देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द अदर टू मॉडल सेलेक्टेड सही है तो अब इस ऑप्शन में जो दिए गए वो कौन से दो मॉडल को हमें मस्ट भी सेलेक्ट करने होंगे सही है तो जैसे है कि टी यू एंड एक्स ये है हमें मॉडल दिए हुए जो हमने सेलेक्ट किए हुए ऑलरेडी लेकिन अब इन ऑप्शन में कौन से वो दो मॉडल हमें सेलेक्ट करने होंगे इसके साथ हम जो मस्ट भी सेलेक्टेड कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है वी एंड डब्ल्यू तो आप देखिए डब्ल्यू तो हम नहीं कर सकते ऑलरेडी क्योंकि यू मॉडल है साथ में कि जो रिस्ट्रिक्शन नंबर फोर हमें इससे रोकता है कि जब यू हो तो उसके साथ हम मॉडल नंबर डब्ल्यू मॉडल को सेलेक्ट नहीं कर सकते सी ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग है सी यहाँ सही नहीं है अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं जिसमें है कि वी एंड वाई सही वी एंड वाई जो कि इस रूल्स को फॉलो नहीं करता क्यों क्योंकि जेड जो है वो मस्ट बी सेलेक्टेड है मॉडल के लिए और डब्ल्यू अगर नहीं है तो जेड ओ जो है लाजमन हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो इस ऑप्शन में वी एंड वाई नहीं है अगर एक नज़रिए से भी देखिए और दूसरे नज़रिए से ये देखिए कि वाई जो है अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ वी होगा सही है वी को सेलेक्ट करना ज़रूर होगा लेकिन यहाँ क्या है पहले वी एंड वाई है तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी रॉन्ग है अब ऑप्शन नंबर सी पर हम आते हैं कि वी एंड जेड ऑप्शन नंबर सी जो है वी एंड जेड सही है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा है करेक्ट आंसर क्यों देखिए आप के हमें जो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा जेड जो है वो मस्ट बी सेलेक्टेड क्वेश्चन मस्ट बी सेलेक्टेड मॉडल है तो इसमें मस्ट बी और इसके साथ जो है वी जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाँ अगर वाई सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ वी को ज़रूर सेलेक्ट करना होगा तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जो है ऑप्शन नंबर सी क्यों क्योंकि देखिए यहाँ भी डब्ल्यू आ गया जो रिस्ट्रिक्शन नंबर फोर है वो हमें इस बात से मना करता है कि हम जब यू को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ डब्ल्यू को सेलेक्ट नहीं कर सकते और अगर ऑप्शन नंबर ई को देखते हैं तो उसमें हमारे पास यहाँ वाई है हालांकि हमने जो है रिस्ट्रिक्शन नंबर सी में पढ़ा था कि जब वाई को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ वी का होना लाजमन है तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ हमारे पास वो है करेक्ट आंसर अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं जिसमें हमें से कहा गया कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल कम्बिनेशन ऑफ द मॉडल डेट कैन बी सेलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट जिसमें वो कौन से मॉडल होंगे जो हमें सेलेक्टेबल एक कम्बिनेशन दे सकता है मॉडल बनाने के लिए जो हम जिनमें इस तरह के कम्बिनेशन मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए जो हमारे पास जो कम्बिनेशन बन सकता है वो मॉडल को किस तरह बन सकता है कि टी यू वी एक्स एंड वाई तो इस ऑप्शन में देखिए हमारे पास जो मस्ट भी सेलेक्टेड है वो है ऑप्शन जेड मॉडल जो इसमें मौजूद नहीं है यू की वजह से जेड का ऑप्शन जो है वो तो और डब्ल्यू का मॉडल जो है वो तो ऑटोमेटिकली हम उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखें उसमें क्या है कि टी यू भी है टी भी है हमारे पास एक्स भी है वाई भी है एंड जेड भी है जो कि हमारा सही आंसर नहीं है क्योंकि हमने जो है रिस्ट्रिक्शन नंबर थर्ड में पढ़ा था जब वाई को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ वी का सेलेक्ट होना लाजमन है अच्छा ऑप्शन नंबर सी हम देखें तो उसमें हमारे पास क्या है कि टी भी है वी भी है एक्स भी है वाई भी है और जेड भी मतलब जेड और वी भी है और इसके साथ जो है हमारे पास वाई भी है
तो देखिए सही, जिसमें हमें देखिए टी वी है उसके साथ वाई भी है, वी के साथ वाई भी है और जेड जो है वो मस्ट भी सेलेक्टेड है क्योंकि जेड और वाई में दोनों में से एक को सेलेक्ट करना लाजमन है, और यू जो है वो तो मस्ट भी सेलेक्टेड जो है हमारा मॉडल नहीं है। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, सही ना, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ वी है और ऑप्शन नंबर डी में अगर हम देखें तो इसमें हमें यू बी डब्ल्यू एक्स वाई सही है लेकिन जेड नहीं है। हालांकि हम रिस्ट्रिक्शन नंबर फोर को देखें तो उसमें हमें कहा गया था कि यू को अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ डब्ल्यू को सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये आंसर हमारा गलत है, रॉन्ग है। और अगर हम फिफ्थ ऑप्शन नंबर ई को देखें, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड है जो गलत आंसर, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन जो हमारे जो हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई तो उसमें कहा गया था रिस्ट्रिक्शन नंबर सेकंड जो है कि डब्ल्यू एंड जेड को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए इसमें जेड और डब्ल्यू बोथ एक साथ दोनों आए हुए हैं, तो ये भी जो हमारा रॉन्ग आंसर है, सही ना। अच्छा अब आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, उसमें है कि इफ़ मॉडल जेड इज सेलेक्ट इज वन मॉडल नॉट सेलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट देन द अदर मॉडल नॉट सेलेक्टेड मस्ट बी विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा कहा गया कि अगर हमने मॉडल जेड को सेलेक्ट नहीं किया, सही क्वेश्चन में मॉडल जेड नॉट सेलेक्टेड फॉर द स्ट्रीट, अगर मॉडल जेड को सेलेक्ट नहीं किया स्ट्रीट के लिए तो उसके साथ हमें हम कौन सा और ऑप्शन जो मॉडल है जिसे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो जिसमें यह है कि ऑप्शन ए जिसमें टी हमें मॉडल दिया गया क्योंकि ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, मॉडल टी मस्ट बी सेलेक्टेड ऑप्शन नहीं है इसीलिए इसको हम लेफ्ट करते हैं, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है हमारे पास यू, वो क्यों, क्योंकि देखिए मॉडल जेड और मॉडल डब्ल्यू जो है उन दोनों में हमें क्या करना था कि एक को सेलेक्ट करना है, अगर हमने इन दोनों में से जो ये दोनों मस्ट भी सेलेक्टेड है जिसमें दोनों को में से एक को ज़रूर सेलेक्ट करना है, तो अगर जेड को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के मुताबिक, तो मतलब ये है कि डब्ल्यू उसमें सेलेक्ट हुआ है, जब डब्ल्यू सेलेक्ट हुआ है तो फिर हम एक्सट्रैक्शन नंबर फोर में देखें कि अगर हम मॉडल डब्ल्यू को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ यू को सेलेक्ट नहीं कर सकते सी तो इसका हमारा आंसर जो है वो है यू, मॉडल यू जो है जिसे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते इसके साथ, सही है, क्योंकि अभी वी जो है अगर वी पे आते हैं वो मस्ट भी सेलेक्टेड हमारा लाजमन सेलेक्टेड नहीं है, अगर वाई को सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ हम वी को सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे लाजमन जो वो नहीं, और इसके साथ जो W है तो ये तो ऑलरेडी क्योंकि हमने जब Z को सेलेक्ट नहीं करना इस क्वेश्चन के मुताबिक तो Y तो W ऑलरेडी सेलेक्टेड हुआ है, और इस क्वेश्चन के मुताबिक हमसे पूछा वो कौन सा मॉडल है जिसे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, और Z X जो है वो भी हमारे लिए लाजमन क्वेश्चन नहीं है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन इस में जो है हमने क्वेश्चन आंसर वो किस तरह एनालिटिकल को फॉलो करके उसके रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करके एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन को एनालिटिकल जो कंसेप्ट है उसको हमने सॉल्व किया, क्योंकि ये जो है हमारे जो टेस्टिंग सर्विसेज है हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जिसमें ये हमसे पूछे जाते हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ और पार्ट टू एनालिटिकल रीजनिंग के साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।